अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं शेफ़ सफ़िया, आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए फ़िश करी की इजी सी रेसिपी। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 kg के करीब फ़िश लिया है और इसको मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट से मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी ताकि इसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत स्मेल होगी तो वो भी सही से निकल आएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 tablespoon जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। साथ ही मैं यहाँ पे एक लेमन लूँगी, इसके बीज निकाल लूँगी और इसे भी स्क्वीज़ कर लूँगी। लेमन और जिंजर गार्लिक पेस्ट से अगर हम फ़िश को पहले से इस तरह से मैरिनेट करेंगे तो इसके अंदर कोई भी स्मेल होगी अगर, या जिनको फ़िश स्मेल लगती है तो वो सारी स्मेल निकल जाती है और इसके अलावा इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे और अब हम मसाला भुनने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1/2 cup ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ी साइज़ का अनियन। अनियन को आपने बारीक बारीक कट करना है, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं कट करने। अनियन को हम अच्छे से कुक कर लेंगे, गोल्डन कलर नहीं आने देंगे इसमें। जस्ट हमें इसका रोपन ख़त्म करना है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ध्यान रखना है कि अनियन बिल्कुल भी जले ना, इसलिए चमचा बार बार चलाते रहना है। इस पॉइंट पे जब हमारे अनियंस कुक हो गए हैं 50%, तो अब हमने यहाँ पे 3 टमाटरों को बीच से कट करके ऐड कर दिया है। बस अब हमने इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। टमाटरों को आपने बारीक नहीं काटना है, जिस तरह से मैंने ऐड किया है जस्ट इसी तरह से ऐड कर देना है। यहाँ हमने लिया है 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट और वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसी तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अनियन को साइड पे करके जिंजर गार्लिक को ऑयल में थोड़ी देर कुक कर लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। बेसिकली फ़िश का सालन बनाना इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से बनता है बाकी जो नॉर्मली चिकन और बीफ और मटन वगैरह बनते हैं। बस किसी किसी के बनाने का तरीका अलग होता है, आपको मेरा ये तरीका बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 tablespoon भर के हरी मिर्चों का पेस्ट। तो ये ग्रीन चिली पेस्ट जो है आपने अच्छे से इसको ग्राइंड करना है, उसके बाद ही इसमें ऐड करना है। इससे आपकी फ़िश के सालन में जान आ जाएगी। ये इस सालन की जो है क्या कह सकते हैं, मेन इंग्रेडिएंट कहला सकता है। तो बेसिकली लोग रेड चिली में बनाते हैं लेकिन मैं इसे ग्रीन चिली में बनाऊंगी। इससे आप देखेंगे कितना फ्लेवरफुल और कितना टेस्टी ये फ़िश बन के रेडी होगा। तो इसे हमने ढक के 5 मिनट तक कुक कर लिया और इसमें जो भी रॉ स्मेल थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब हमने अगेन इसमें चमचा चला लेना है। ये देखिए हमारे टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो यहाँ हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं। ये है 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च, 1 teaspoon भर के धनिया एंड ज़ीरा पाउडर और टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर देना है। ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं होंगे, बस चंद एक मसालों से ही ये इतना अच्छा बन के रेडी होगा इंशाल्लाह। आप जब ये बनाएंगे तो आप ज़रूर दुआएं देंगे। अब हम इन मसालों को अच्छे से कुक करने के लिए इसको ढककर 5 मिनट तक दोबारा से पकाएंगे। इससे क्या होगा, जो भी हमने अभी गरम मसाले डाले हैं उसका टेस्ट अच्छे से इसमें इन्हेंस हो जाएगा। 5 मिनट बाद हम इसको दोबारा से चमचा चला देंगे और अब हमें अगर दिख रहा है कि हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है मसालों से, तो अब हम इसमें 1 cup पानी शामिल कर देंगे और अब हम इसे दोबारा से हिला लेंगे। अब इस पॉइंट पे जब हमने इसमें वाटर ऐड किया है तो हम अगर इसमें कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो उसमें मैंने 1 potato शामिल कर दिया है बड़ी साइज़ का। तो potato को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, फ़िश को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैंने
पोटैटो को अलग से 10 मिनट पहले पका लेना है। तो आफ्टर 10 मिनट मेरे पोटैटोज़ भी 50% या 60% कुक हो चुके होंगे। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें फ़िश ऐड करूँगी। इससे पहले मैं इसमें 1 कप पानी और शामिल करूँगी, क्योंकि पकने के बाद ये पानी हाफ हो जाएगा। ग्रेवी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये फ़िश जो है मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा था, अब इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि ये फ़िश मैरिनेटेड है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मैरिनेट वाला ऑप्शन आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अच्छा, फ़िश ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से चमचा चला लेना है, अगर इसमें आपने कोई भी मिक्सिंग वगैरह करनी है या सॉल्ट वगैरह टेस्ट करना है तो, क्योंकि उसके बाद फिर आपने टेस्ट करने का या फिर मिक्स करने का आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। जब तक आपके फिश जो है अभी कच्चे हैं, हमने डाला है अभी, तो आप इसी वक्त इसी पॉइंट पे चेक भी कर सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने बिल्कुल इसको चमचे से नहीं हिलाना है, जस्ट आपने इसको जो है फॉक को उठा के हैंड से शेक करना है, अगर आपने मिक्स करना भी हुआ इस तरह से। ये होता है फ़िश पकाने का बिल्कुल सही तरीका, क्योंकि अगर हम इसमें चमचा चलाएंगे तो वो फ़िश वैसे ही इतनी जो है सॉफ्ट और जो है मुलायम होती है, तो वो फिर टूट जाती है, फिर सालन में वो खूबसूरती नहीं आता। हम 10 मिनट हो चुके हैं ये पकाते हुए। आफ्टर 10 मिनट ये अच्छे से कुक हो चुका है। हमने दोबारा से वॉक को उठा के जो है इसको शेक कर दिया है। टोटल 10 to 15 मिनट लगे हैं मुझे ये फ़िश कुक करने में, क्योंकि फ़िश को कुक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये ऑलरेडी मैरिनेटेड थे तो इसको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो हमने इसमें ऊपर से धनिया जो है वो गार्निश कर लिया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से सालन कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। ये बहुत ही टेस्टी था। आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा रनी जो है मैंने इसका शोरबा रखा है, तो ये राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप इसे राइस के साथ ट्राई कीजिए। अगर आप चाहें तो रोटियों के साथ भी खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन हम इसे राइस के साथ खाना पसंद करते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।